कन्वर्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। तो पहले इसको खोल लेते हैं, खोल के देख लेते हैं क्या क्या चीज़ के अंदर लगने वाली है जिससे इसको इलेक्ट्रिक में हम कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले इसे खोलते हैं। यहाँ पर गली में थोड़ा आसपास थोड़ा नॉइज़ रहेगा, पर कोई बात नहीं, रोड पे तो नॉइज़ रहता ही है। इसको रोक के दोबारा से बना। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसमें जो पूरा इंजन लगा हुआ है यहाँ पे, और हमने इस इंजन को पूरे खोलना है। और यहाँ पे इस जगह पे एक चिमटा लगाना पड़ेगा, जिस चिमटे के अंदर पीछे का चक्का लगेगा। पहले पूरा इंजन हम लोगों को इसमें से निकालना पड़ेगा। मार्केट गए, एक तो ये लेके आए, इसे कहते चिमटा, जिसमें हम व्हील को चकने, व्हील को लगाने वाले हैं। और तो में एक ये हब मोटर है, ये हब मोटर लेके आए हैं, जो कि हमारा पिछला वाला व्हील इसके ऊपर लगेगा, हब मोटर के ऊपर, ठीक है। और साथ ही में इसका ब्रेकिंग सिस्टम, ये जो ब्रेक, जिससे ब्रेक लगेंगे हम मोटर का। और अपने पास में ये है कंट्रोलर 48 वोल्ट 50 एम्पीयर का। साथ को इंस्टॉल करना दिखाते हैं किस तरह से, कैसे कैसे हम लोग सामान को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये निपटा लो एक बार, वो भी आ गई यार, भर गई थी। पूरी पूरी चेसी इस पेज पे टिकी होती है, इसलिए इस पेज का सेट बिठाना और सेट बैठना बहुत जरूरी होता है।
और आप देख रहे हैं ये पेज बिल्कुल सेंट बैठ गया है और इसे हमने यहाँ जैसा कि आपने देख रहे हो कि इसके अंदर हमने अब मोटर फिट कर दी है और इस स्कूटी में क्योंकि थोड़ी सी सीट को ऊंचा करना था तो हमने इसमें ये दो एंगल फिट करके नए शॉकर लगा दिए हैं जिससे कि इसका वज़न गाड़ी पे ना पड़े। और क्योंकि हमने इसमें शॉकर लगाए हैं तो इसकी जो पीछे जो इसका वो है क्या कहते हैं राजू से जो हम काट रहे हैं मरघाट है वो सेट नहीं बैठ रहा है इसलिए इसे हमें थोड़ा सा इसे काटना पड़ेगा। ये देखिए अब ये कट गया है, अब ये यहाँ पे हम सेट करेंगे। ये मरघाट थोड़ा नीचे ही होता है, इसके ऊपर वाली जगह पे टंकी सेट होती है। टंकी हम ऑलरेडी इसमें से निकाल चुके हैं। फाइनली इसके ऊपर मरघाट भी लग गया, अब देखते हैं इसकी आगे की सीट कवर वगैरह सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी तगड़म बगड़म है वो साइड कर देते हैं और इसके ऊपर एक बार सीट कवर करने की कोशिश करते हैं। ये देखो अब इस पे हमने ऊपर गद्दी भी सेट कर दी है। गद्दी सेट करने के बाद इसकी साइडें लगा के इसे पैक कर देंगे और ये बिल्कुल बाइक का लुक दे रही है। देखिए अब हमने इसकी ऑलमोस्ट सेटिंग कर दी है और ये कंट्रोलर सेट कर दिया है। अभी इसमें थोड़ी सी वायरिंग बाकी है पर अभी हम पहले से चला के देखेंगे कि ये कैसे चलता है। ये हमारे कारीगर हैं राजू भाई साहब जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। देखो फाइनली हमने इसमें अब वायरिंग वगैरह दे दी है। ये रहा इसका कंट्रोलर और कंट्रोलर के साथ हमने नीचे से वायरिंग करते हुए सारी हमने इसके आगे की तरफ वायरिंग कस दी है। ये हमारे सर जी लगे हुए हैं एक्चुअली इसकी ये देखो यहाँ पे इन्होंने साइड नई देख रहे हैं अब नई वायरिंग है सारी की सारी और ये एक नई चाबी भी लगा दी है। अगर आप देखेंगे देखिए आगे की तरफ दो चाबियाँ हो गई हैं, एक हैंडल लॉक के लिए और एक ऑन ऑफ के लिए क्योंकि बैटरी के लिए हमें अलग से 48 वोल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे और देखिए कितनी सफाई से इसे लगाया गया है कि बहुत देखने में इसका लुक ही वैसी लग रहा है। और हमने जैसे हैंडल इस तरफ कस दिया है अब यहाँ पर ब्रेक और हैंडल इसमें आगे और पीछे दोनों बटन होते हैं बट हमने इसका बैक का हटा दिया है, ये सिर्फ अब आगे ही चलेगी।
बजे उस तारे हमारी आगे से आई थी, अब हम इसे कंट्रोलर के साथ सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी 48 वोल्ट देना होगा जिससे कि गाड़ी ऑन ऑफ हो सके। We'll be right back.